बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये पेपर है बीए बीएससी बीकॉम और बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं थे उनका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र, वो आज से नहीं बहुत प्राचीन काल से ही आप देखिएगा अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ क्या लगभग 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव भी करवा रही हैं। ये एक प्रकार से महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी जो है इसने क्या किया कि इसको भी लिखित करवा दिया। अब हम लोगों ने तो सोचा था कि ये ऑब्जेक्टिव होगा, हमने तो बिल्कुल अच्छा हमने रिसर्च भी नहीं की इस बारे में, चूँकि 3 घंटे का दिया गया था उसमें दिया गया था कि 3 घंटे का पेपर होगा। अच्छा ये भी हमारा दिमाग काम नहीं किया, एक बच्चे ने फ़ोन भी किया था हमारे पास कि सर जी 3 घंटे लिखा है तो ये जो है लिखित होना चाहिए। तो मैंने उससे ये भी कहा कि नहीं भाई ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो है जितने भी को करिकुलर सब्जेक्ट हुए हैं चाहे जो भी यूनिवर्सिटी रही हो सभी में ऑब्जेक्टिव ही हुआ है तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बोल रहे थे कि सर जी लिखित वाला बताइए, तो मैंने सोचा हो सकता है इनको ना पता हो, तो हमने बताया नहीं ऑब्जेक्टिव होने वाला है और ऑब्जेक्टिव भी हमने लगभग पढ़ाया, सभी वीडियो हमारी ऑब्जेक्टिव ही थी। और माफ़ी आप लोगों से ये चाहेंगे कि हमने लिखित आपको लोगों को बताया नहीं कि लिखित आएगा। ठीक तो पेपर देख लीजिए एक बार कैसे आया था, ये चर्चा करते हैं कि नॉर्मल था कि कैसे था, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर हुआ है और ये देखिए यहाँ पर को करिकुलर सब्जेक्ट है और जहाँ तक मुझे जानकारी है को करिकुलर जो होता है ऑब्जेक्टिव ही होता था। 100 क्वेश्चन पूछे आते थे, उनमें से आपको अगर 33 क्वेश्चन आपका सही होता था तो आप पास कर दिए आते थे यानी कि आप क्वालिफाई हो गए हैं। देखिए फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ, ये देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक अब यहाँ पर देखिएगा आपके जो वो होता है क्या बोलते हैं टाइम टेबल, उसमें 3 घंटे की परीक्षा अगर दी गई होती मतलब दी गई है तो अच्छा, उस पर मेरी भी ध्यान एक प्रकार से रिसर्च हमने नहीं कर पाया चूँकि इस समय व्यस्त ज़्यादा थे लगातार आप लोगों की क्लासेस में तो इसलिए हो नहीं पाया। ठीक तो ये चीज़ देखिए टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया है, मैक्सिमम आपके 75 है। देखिए ये यूनिवर्सिटी में ऐसे करवाया गया है और सेम पैटर्न जिस पैटर्न पर पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी का पेपर इसका आया ठीक वही पैटर्न है। अटेम्प्ट देखिए अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए यानी खंड आ से देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न वही सेम टू सेम पैटर्न है सभी का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे क्या क्या आए थे प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के निर्देश दिया गया है मेरे भाई, निर्देश दिया गया कि आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है और किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है ये बात आपसे कह रहा है, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है एक एक क्वेश्चन के तो 20 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाता। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, अच्छा देखिए यहाँ पर तो इतना आता तो आप कुछ बहुत थोड़ा बहुत मात्रा में तो लिख ही लिए होंगे। देखिए प्रश्न पूछा गया था श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, तो इसके बारे में तो आपको पता ही रहा होगा कि श्वसन क्या होता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं रही होगी कि श्वसन क्या होता है। ठीक है इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि रक्त को शुद्ध करता है, यही सब आप लिख देते हो जाता। ठीक है अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चेस्ट जो है डिसकंफर्ट यानी कि सीने में जो बेचैनी होती है इसके बारे में आपको लिखना था, तो इसमें भी बना करके अगर कुछ लिख देती है तो आपका हो जाता कुछ मात्रा में नंबर मिल जाता। जिन छात्र छात्राओं ने लिखा है जिन्होंने भी लिखा है लिखने में कोताही नहीं बरती है उनको नंबर मिलेगा और वो पास होंगे, इनमें 2 राय नहीं है। ओके ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे है डायरिया, डायरिया रोग के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में आपको लिखने के लिए लिया गया था तो 3 तो आप लिख ही लेते ये तीनों। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेंटल हेल्थ फर्स्ट ईयर, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा, ये भी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में भी। प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक चिकित्सा, किसी को अगर मिर्गी आती है तो आप देखते हैं चप्पल उप्पल सुंघाते हैं गाँव वगैरह में, या तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, या फिर मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य किसी का गड़बड़ होता तो उतना तो उपचार आप बता सकते हो इधर उधर की बातें लिख करके, और कुछ चीज़ें तो आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वैसे पता होंगी जो ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ाया उसकी माध्यम से ही, तो आप कुछ मात्रा में लिख सकते थे। ठीक अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया 5वां नंबर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज यानी कि एसटीडीज,
ये जो होता है इसका मतलब होता है जैसे यौन संचारित रोग, यानी कि जब आप जो है सेक्सुअली, यानी कि जब आप सेक्स के दौरान जब आप महिला और पुरुष एक साथ मिलते हैं और उसके दौरान क्या होता है कभी कभी जो है कुछ प्रकार के जो है डिसीजेस हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं दोनों के संलग्न होने के तदुपरांत, तो वो रोग जो होते हैं खास करके यौन संचारित रोगों में आते हैं जो खास करके सेक्स के दौरान हो जाते हैं ये रोग। तो ये रोग जो होते हैं इसमें HIV वगैरह एड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सब रोग उसमें होते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड एंड मतलब कि एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट की जो सामग्री होती है, मोटरसाइकिल वगैरह में आप देखिएगा एक पट्टी होती है रखी होती है, एक बीटाडीन का एक प्रकार से बीटाडीन ट्यूब होती है, ये सब आपका रखा होता है कि ताकि आप जो है अगर कहीं पर कुछ होता है एक्सीडेंट वगैरह तो आप आसानी से प्राथमिक चिकित्सा खुद ही कर लें या बगल का कोई लोग हो तो वो कर दे, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में आप बता सकते थे। तो 10 क्वेश्चन करने थे और आपको 50-50 शब्दों में लिखना, ज़्यादा लिखना भी नहीं था। कोल्ड बर्स यानी कि फ्रोस्ट बाइट्स यानी शीत द्वारा जो दंश होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, जब ठंडी के द्वारा आपके शरीर जो है थोड़ा बहुत जलने लगे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न पूछा गया था कि फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता मतलब भोजन में आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें, आप अगर भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो विषाक्तता फैल जाती है, या इसी प्रकार से अन्य कई बातें हैं कि भोजन में मिलावटी तत्व ज़्यादा हो जाते तो विषाक्तता फैलती, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे, हो जाता। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न है, अस्थमा, दमा या अस्थमा रोग होता है, इसके बारे में तो आपको खांसी वगैरह आती है, मलगम वगैरह निकल, ये सब आप बता सकते हो, ठीक है, ये सब जो दमा अस्थमा रोग के बारे में तो जानते ही होंगे। अगला प्रश्न आपसे समय पूछा गया है कि जो है फीचर्स यानी फ्रैक्चर के बारे में, यानी जो हड्डियां टूट जाती हैं, तो हड्डियां कई प्रकार से टूटती हैं, एक तो अंदर अंदर हड्डी खिसक जाती है, एक टूटती भी है और घायल भी हो जाता है शरीर, तो कैसे टूटती ये भी बता दो, हड्डी क्या, तो इसमें सब मैं ऐसे बता करके आपको निकल लेना था बस, बाकी आपका हो जाता कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न, लेकिन फिर भी गलती तो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों से माफ़ी यही चाहेंगे कि आप लोग जो है आने वाले पेपर्स जो हैं आपके सब्जेक्ट वाइज जितने भी पेपर हैं लिखित हमने करवा दिया है आप लोगों के लिए ही, ललित कला का भी हमने करवा दिया, शिक्षा शास्त्र का आज अभी मान जो है चल रहा होगा क्लास, उसको देख ही रहे होंगे आप लोग, तो इस प्रकार से ओके। व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट ऑक्यूर ड्यूरिंग मेल जो है प्यूबर्टी, यानी कह रहा कि पुरुष यौवन के दौरान क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जब आप देखते हैं लड़का 12 साल के ऊपर होता तो देखिए मूछ दाढ़ी आने लगती है उसके, जब वो जवान होने लगता है लड़का खैर कहीं ना कहीं पे, तो देखिएगा शरीर में उसके बाल उगने लगते हैं, पैरों में बाल उगने लगते हैं, ठीक है, इसके अलावा उसके जो है सीने के आसपास बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं या दाढ़ी मूछ जमना प्रारंभ हो जाती है, कंठ जो होता है उसका फूट जाता है, आवाज़ थोड़ा फटी फटी निकलने लगती है, ये तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेहरे पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा, तो ये आप लिख सकते थे। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा था मनोविकृति यानी कि साइकोसिस, इसके बारे में भी आप बता सकते थे, तो इस प्रकार से आपका 12 प्रश्न था, इनमें से 10 प्रश्न आपको करने थे, यही आपसे पूछा गया था। आगे देखिएगा आपसे प्रश्न पूछ रहा है सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न हैं, देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न, इसमें भी वही फंडा सेम होगा जो अन्य सब्जेक्ट में आपको करना पड़ता था, ठीक है, देखिएगा। देखिए दूसरा आपका दिया हुआ है प्रश्न जो है ये निर्देश मतलब कि खंड बा के लिए कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि 200 शब्दों में लिखना है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, पूरे खंड से 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है, एक प्रश्न करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन के आपको 35 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन दिए उनमें से 5 छांट करके करना है। प्रश्न आपके समक्ष देखिए, पहला प्रश्न था कि व्हाट आर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं, ये लिख सकते थे आप, तमाम प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे समक्ष पूछा गया था, देखिए दूसरा प्रश्न है, राइट अबाउट बेसिक्स ऑफ हीट एंड ब्लड सर्कुलेशन, हृदय और रक्त परिसंचरण की मूल बातें बताइए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज फर्स्ट एड एंड इट्स लॉज, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है और इसके कानून क्या हैं, ये भी बताएं, तो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताएं, उसके बाद में इसके कानून क्या हैं, इसके नियम क्या है प्राथमिक चिकित्सा के, ये भी बताइए, ये भी आपका हो जाता बड़े आराम से। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट आर द प्रोवेंशंस ऑफ स्टडीज,
यानी यौन संचारित रोगों की रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। आप देखिए परिवार नियोजन के जैसे कि आप जो तमाम प्रकार की चीज़ें होती है अगर उसका आप प्रयोग करेंगे तो इससे आप बचा जा सकता है। ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, किसी दिन चर्चा कर लेंगे। हालांकि अब आप तो लिखित आना नहीं है, लेकिन जो आने वाले लोग हैं हमारे छात्र छात्राएं जो सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे, आपके जूनियर लोग, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये। अगर उनके हो सकता है कि अगले साल भी सुहेलदेव यूनिवर्सिटी ऐसे ही करवा दे लिखी थी, तो उनको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार से पेपर आता है। अगला प्रश्न है, राइट डाउन सम क्रिसिस फर्स्ट एड फॉर जो है सुसाइडियल बिहेवियर, यानी आत्मघाती व्यवहार के लिए कुछ संकट प्राथमिक उपचार लिखिए। बढ़िया प्रश्न था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था, देखेंगे कि एक्सप्लेन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव की जो प्रजनन प्रणाली है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी व्याख्या कीजिए। यूट्यूब पर आप तमाम प्रकार के जितने भी टीचर फेमस हुए हैं, लगभग और लगभग अधिकतर बायोलॉजी के टीचर जितने भी फेमस हुए हैं, सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा करके, और जो मेल लोग हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा करके फेमस हुए हैं, और जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर आप देखिएगा जो पुरुष, मतलब कि जो फीमेल है वो पुरुष के जनन अंगों के बारे में बता करके फेमस हुई हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा मानव प्रजनन की जो प्रणाली है इसकी व्याख्या करनी थी आपको, प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल एंड अबोर्शन, जन्म नियंत्रण और गर्भपात क्या है, इसके बारे में आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा, राइट अबाउट फर्स्ट एड रिलेटेड टू जो है स्नैक बाइट्स एंड इंसेक्ट स्टिंग्स, यानी सांप के काटने और कीड़े के डंक से संबंधित प्राथमिक उपचार के बारे में लिखिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ मात्रा में हमने तो बताया ही था। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज अनकॉन्शियस, मतलब कि अनकॉन्शियसनेस स्ट्रोक एंड जो है ईपी, मतलब कि ईपीएलसी, बेहोशी स्ट्रोक और मिर्गी, ये क्या है, इन तीनों को बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर की, राइट अबाउट डिप्रेशन एंड एनजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी अवसाद एवं चिंता विकारों के बारे में लिखिए। आप मनोविज्ञान वाला मनोविकृति विज्ञान भी है सेकंड ईयर में पढ़ाया हमने मनोविज्ञान, उसमें देख लीजिएगा इस आप चार चीज़ों के मैंने बताया है। मुझे पता होता कि ये लिखित आने वाला है तो मैं लिखित का विमान पेपर आपको देता। अगला प्रश्न सेक्शन सी यानी खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो जिनमें भी 3 घंटा पेपर दिया होगा भाई वो लिखित होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, बस और यूनिवर्सिटी नहीं जी ऑब्जेक्टिव, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गया, इसमें एकदम से श्योर है कि ऑब्जेक्टिव होगा, एकदम से कन्फर्म है, परेशान नहीं होना उसमें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, की आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं और 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे तो 20 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट आर द ईएम्स, मतलब उद्देश्य ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट डाउन टाइप्स एंड कंटेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड किट। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछे आते हैं तो जब भी इसे फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ आपके पेपर का नाम है तो ज़रूर आप मान करके चलो कि फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे, फर्स्ट ईयर के बारे में, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसका उद्देश्य, उसका परिणाम, ये तमाम प्रकार की चीज़ें तो ज़रूर पूछेगा। प्रश्न आपके समक्ष प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या, प्राथमिक चिकित्सा किट के प्रकार और सामग्री बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट अबाउट फर्स्ट ईयर रिलेटेड विथ स्किन एंड बर्न्स ड्यू टू द जो है फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के कारण त्वचा और जलन से संबंधित उपचार के बारे में बताइए। अब देखिए निम्नलिखित में क्या क्या दिया गया है, देखिए इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल बर्न, यानी कि अगर आप विद्युत से जल जाते हो करंट मार देता है, या रसायन कोई है जैसे कि H2SO4, या इसी प्रकार से आप देखेंगे सांद्र, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया इन सभी से, या HCl हो गया इन सभी से। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा प्रश्न है कि जो है प्रिवेंशन ऑफ बर्न, यानी जलन से बचाव कैसे करते हैं। अगला प्रश्न आपसे यही से पूछा गया था इस पर कि लू लगने से आप देखिएगा जो हीट स्ट्रोक होता है, लू लग जाए आपको तो क्या करना चाहिए आपको, ये चीज़ें। अगला प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ फर्स्ट ईयर एंड मतलब फर्स्ट ईयर एक्शन प्लान, व्हाट इज़ नॉन सोसाइडियल सेल्फ इंजरी, यानी मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना क्या है, गैर आत्मघाती आत्मचोट क्या है, इसको भी बताएं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछा गया था 4वां नंबर की, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड मिथ्स माइथ्स अबाउट LGBT, यानी कि जो है LGBTQ है शायद, या वो है उसके अंदर इशूज़ एंड आइडेंटिटीज़, यानी आपसे कह रहा है
क्यू है, LGBTQ मुद्दों पर मतलब मुद्दों और पहचानों के बारे में तथ्य और मिथक क्या है, इसके बारे में आपको बताना था। वहीं अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया था, अगला प्रश्न जो दिया गया था आपसे पांचवा नंबर, राइट अबाउट बेसिक्स ऑफ जो है यूरिनरी सिस्टम्स एंड कहीं ना कहीं पे देख लीजिएगा जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है गैस्टोरिन जो है टेसियल सिस्टम, यानी मूत्र प्रणाली और जठर रात्र जो जठर अग्नि होती वो प्रणाली होती जठर रात्र प्रणाली, उसकी मूल बातें क्या ये बतानी थी आपको, सब बायोलॉजी का था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट आर द इमरजेंसीज इन रूरल एरियाज एट मतलब एंड एट एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क्स, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और शैक्षणिक संस्थानों एवं कर्मों या फिर कार्मों में आपात स्थिति का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न थे सारे, ये प्रश्न पूछे गए थे भाई, इसको एक बार जरूर आप सभी लोग अगर आगे वाले छात्र छात्राएं आएंगे उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस का इसका पेपर आप देख लीजिएगा, इस चैनल पर अवेलेबल है। बाकी ये पेपर जो है जियोग्राफी वाला ये यमे क्रिकेट चैनल पर, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। इसमें तो पूरा साल में भी करवा दिया हमने यमे वाला, ये मतलब कि ये यमे क्रिकेट चैनल पर भूगोल का, तो इसको आप देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव है। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।